तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक्स की। आप सभी को पता है एमपी बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक है वो जारी कर दी गई है 10th और 12th दोनों की, बट वो हिंदी में जारी की गई है। ऐसा तो है नहीं कि एमपी बोर्ड में सिर्फ हिंदी मीडियम के ही बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो उनका भी एमपी बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए। बट कोई बात नहीं, एमपी बोर्ड आपका ध्यान नहीं रख रहा है, बट हम आपका ध्यान रखेंगे। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो क्वेश्चन बैंक आप डायरेक्ट देखोगे, आपको समझ में आ जाएगी। इंग्लिश मीडियम से अगर आप हो तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कन्वर्टेड दे दूंगा कुछ दिनों में। मैं आपको 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के अभी तक दे चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखी हो तो जरूर से देखिए प्रीवियस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको 10th की साइंस की प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अब देखिए, आप सभी को पता है कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम भी होता है, काफी ज्यादा मेहनत भी रहती है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। ये जो PDF रहेगा ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं चाहूँ तो टेलीग्राम पर भी आपको दे सकता हूँ, बट वहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे नए ज्वाइन करते हैं तो वो जो PDF है वो काफी ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है, तो फिर बच्चे उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, वो आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, बट अभी रुक जाइए, उसका जो पासवर्ड रहेगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक नेक्स्ट वीडियो कवर करूं जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन बैंक से कितना क्या पेपर आएगा। काफी आपने वीडियोस देखी होंगी, वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको कवर करूंगा। अभी क्या है, आप अपने पास पूरा डेटा रखिए। साइंस की मैंने आपको दे दी है, सोशल साइंस की हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, एक दो चैप्टर उसके बचे हुए हैं अभी। तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा दीजिए, पासवर्ड देख के जरूर से जाइएगा वीडियो के एंड में। और अभी एक छोटा मोटा सा ऐड आएगा तो उसको आप स्किप कर देना। काफी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि ऐड वगैरह मत किया करो, तो उससे क्या होता है, स्टूडियो वगैरह का थोड़ा बहुत रेंट आ जाता है, तभी मैं आपको ये वीडियोस वगैरह बना पाता हूँ। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वीडियो के एंड में पासवर्ड देख के जरूर से जाइएगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM करके भी बात कर सकते हो। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE बोर्ड के टर्म 1 के एग्जामिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, और CBSE को देख के MP बोर्ड ने भी जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर ऐप डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन करके आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी जाएगी, और यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बताया जाएगा, जिससे कि आप आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप ढूंढ पाओगे। और इस ऐप का मैं आपको एक शानदार फीचर बता देता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का फोटो इस ऐप पे पोस्ट करना है। कोई भी ट्यूटर विद इन 60 सेकंड आएगा और आपको वो क्वेश्चन समझाएगा। तो काफी अच्छा ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये PDF का पासवर्ड है। PDF जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मैंने आपको बता दिया है। ये पासवर्ड आप जैसे इनपुट करेंगे जो आपका PDF है वो ओपन हो जाएगा। तो आप चाहें तो हार्ड कॉपी प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपके बाबू सोना वगैरह नहीं है तो आप चाहें तो फोन से भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का प्रोवाइड कर दूं। तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन कर दीजिए।